अल्मोड़ा में आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत है, लेकिन कर्मचारियों की इस न्यायोचित मांग पर केंद्र और राज्य सरकारें चुप्पी साधे बैठी है। वहीं मंत्री और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, यदि सरकार ही नहीं चेती तो कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज भी हम जनपद अल्मोड़ा द्वारा एमजे इंटर कॉलेज में पुरानी पेंशन बहाल के लिए 1 अक्टूबर में जो रामला मैदान दिल्ली में जो रैली निकाली जाएगी उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों के बाद भी जो है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है पुरानी पेंशन देने के लिए इनकार और अपना वित्तीय भार समझ रही है। मेरा मानना यह है कि 1947 के बाद जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, 2005 तक वित्तीय भार नहीं पड़ा, 2005 के बाद उनको अचानक जो है वित्तीय भार पड़ने लग गया। आज जो है सरकार है अपने विधायकों और मंत्रियों की जो है भत्ते और वेतनों को बढ़ाने में कामयाब है, और जो जितने भी हमारे संघ सेवा है और राजकीय कर्मचारी हैं उनकी जो है अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इससे जो है सभी जो है पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, हमारे जो हमारा भारत देश है उसमें जो है सभी जो है सरकारी कर्मचारी जो आकर्षित है, और हम जब तक 2024 का भी हमने निर्णय ले लिया है, जब अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया जाती है तो हम 2024 का जो है जो चुनाव है उसका जो है हम बहिष्कार करेंगे।